नेक्स्ट आती टाइप थ्री हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इट इज़ करक्ट्राइज बाई फॉर्मेशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स इन द सर्कुलेशन ये वाली जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगी वो किससे होगी इम्यून कॉम्प्लेक्स होगी एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनेगा और वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कराएगा ठीक है सबसे पहली वाली करा रही थी आई से दूसरी वाली करा रही थी आईजीजी और आईजीएम से तीसरी वाली कराएगी किससे अपने एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से इसमें भी एंटीबॉडीज़ बनेंगी पर जो हाइपर सेंसीटिविटी रिएक्शन होगी वो होगी इम्यून कॉम्प्लेक्स से एंटीजन और एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्स से दे गेट डिपॉजिटेड इन द ब्लड वेसल लीडिंग टू द कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन एंड एक्यूट इन्फ्लेमेशन। तो ये जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है ये ब्लड वेसल और बहुत सारी जगह एक्मिलेट होगा और उससे क्या होगा कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन और एक्यूट इन्फ्लेमेशन होगा और उससे टिश्यू डैमेज होगा ठीक है फिर कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं एंटीबॉडी कौन कौन सी है कॉम्प्लीमेंट फिक्सिंग एंटीबॉडी जैसे कि आईजीजी और आईजीएम ठीक है ये है होगी इंक्लूड पर कौन कौन सारा काम कराएगा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स ही एंटीजन कहाँ से आएगा एक्सोजनस और दो प्रकार के हैं एक्सोजनस में आ जाएगा फॉरन प्रोटीन डिप्थीरिया टॉक्सिन हो गया जैसे कि एंडोटॉक्सिन में अपना आ जाएगा एंटीबॉडी अगेंस्ट सेल्फ कंपोनेंट ठीक है हमेशा यही क्लासिफिकेशन रहा है लगभग ठीक है थोड़े एग्जाम्पल चेंज होते हैं बस फिर एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिटेड इन अगर किडनी में डिपॉजिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ग्लोमेलो नेफ्राइटिस हो जाएगा जॉइंट्स में हो जाएगा तो अर्थराइटिस करा देगा ब्लड वेसल्स और ऑफ स्किन में भी एक्मलेट हो सकता है ठीक है फिर काजेज ऑफ टिश्यू डैमेज क्या होते हैं एक तो होता है एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट का एक्टिवेशन होगा फिर मेमोरी अटैकिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा सेल सेल्थलाइसिस हो जाएगा ये इससे हो जाएगा इफ्फ्लामेशन एट द साइट ऑफ डिपोजिशन इफ्लामेशन हो जाएगा मीडिएटर्स वगैरह निकलेंगे उससे भी अपना डैमेज हो सकता है फिर नेक्स्ट आता है पैथोजेनेस पैथोजेसिस में तीन स्टेजेस होती हैं तो सबसे पहली स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स इम्यून कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा एंटीजन अपने सर्कुलेशन में आएगा बाहर से एक्सोजेनस होगा एंटोजीनस होगा जहां से भी आएगा फिर एंटीबॉडी भी जो है प्लाज्मा सेल से बनेगी और वो भी अपने सर्कुलेशन में आएगी दोनों ये देखो ये ब्लू से कलर के पर्पलेस कलर में ये है अपना एंटीजन और ग्रीन कलर से है एंटीबॉडी दोनों में आपस में कॉम्प्लेक्स बना लेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फिर दूसरा स्टेप आता है डिपोजिशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स अब जो ये इम्यून कॉम्प्लेक्स बने हैं सर्कुलेशन में ये अलग अलग जगह जाकर डिपोजट हो जाएंगे जैसे किडनी ज्वाइंट्स ब्लड ब्लेसर अलग अलग जाकर डिपोजिटिट हो जाएंगे ज् फिर तीसरा स्टेप इन्फ्फ्लामेटरी रिएक्शन एंड टिश्यू इंजरी आप फिर ये क्या करा देंगे इन्फ्लामेटरी रिएक्शन और टिश्यू इंजरी करा देंगे ठीक है फिर होता कैसे ये पूरा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना इससे एक तो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन कराया था और प्लेटलेट एग्रीगेशन भी करा देगा ठीक है कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन से क्या होगा कीमोटेक्टिक रिलीज होंगे जितने भी कीमोफाइन से वगैरह ये सब निकलेंगे ठीक है और वो क्या करेंगे इफ्लामेटरी सेल का रिक्रूटमेंट कराएंगे जैसे कि न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट का रिक्रूटमेंट होगा न्यूट्रोफिल मोनोसाइट क्या करते हैं फेगोसाइटोसिस करते हैं फेगोसाइटोसिस होगा ठीक है फिर जिसका फेकोसाइटिस होगा तो वहां से क्या निकलेगा लाइजोजोमल एंजाइम निकलेगा और सी फाइव नाइन कॉम्प्लेक्स निकलेगा लाइजोजोमल एंजाइम भी सेल को नेक्रोसाइज नेक्रोटिक मतलब सेल को नेक्रो, नेक्रोसिस कराएंगे सेल का भी और सी फाइव नाइन कॉम्प्लेक्स जो मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स है वो भी सेल का नेक्रोसिस कराता है ठीक है फिर यहां पर प्लेटलेट एग्रीगेशन

ग्लोमेलो ठीक है तो ये सब एग्जाम्पल ऐसा भी है ये इस पर अलग से क्वेश्चन बन सकता है ये देख लेना आर्थस रिएक्शन अभी अपन डिस्कस करेंगे ठीक है थीके? तो ये एग्जाम्पल अपन को याद करने है टाइप थ्री के ठीक है फिर अपन आते रिएक्शन तो आर्थस रिएक्शन में क्या होता है अर्थजेक्शन क्या है लोकलाइज्ड एरिया ऑफ टिश्यू नेक्रोसिस यूजुअली इन द स्किन रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्यूट इम्यून कॉम्प्लेक्स वेस्कोलाइटिस तो इम्यून कॉम्प्लेक्स क्या था अपने जो उसमें चला गया ब्लड वेसल में एक्यूलेट हो गया तो उसको कोई वेस्कोलाइटिस और उसके कारण ही है नेक्रोसिस हो गई तो उसको ही बोलते हैं आर्थिसक्शन लोकलाइज एरिया ऑफ टिश्यक्रोसिस नेक्रोसिस नेक्रोसिस ड्यू टू इम्यून कॉम्प्लेक्स ठीक है इंट्राक्यूटेनियस इंजेक्शन इंटू एन एनिमल हैविंग सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट द एंटीजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज इम्यून complexes, which प्रेसिपिटेट लोकल लोकली एंड ट्रिगर an inflammatory रिएक्शन मतलब मान के चलो कोई एनिमल है उसके अंदर कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट है किसी एंटीजन के लिए तो अगर वो एंटीजन अपन इंट्राक्यूटेनियस उसमें इंजेक्ट करेंगे है ना तो उस वजह से क्या होगा एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और वो जो कॉम्प्लेक्स है वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करा देगा लोकली ठीक है तो उसी वही वही मतलब आर्थस रिएक्शन का ही टाइप के अंदर है ना उसी आर्थस रिएक्शन ही हो गई फिर उसके कारण क्या क्या सिम्टम्स आ गए अपने इडीमा हेमरेज एंड अल्सरेशन डेवलप इन द आवर्स एंड चार से फोर से टेन आवर में जो है ये पीक में अपने देखेंगे तो ये सारे सिम्टम्स और अल्सरेशन ठीक है इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिट इन द वैसल वॉल कॉज फाइब्रीनोयड नेक्रोसिस एंड थ्रोम्बोसिस लीडिंग टू द एस्टमिक इंजरी तो जो इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिट होते हैं वैसे वॉल में ये फाइब्रीनॉड नेक्रोसिस कराते हैं नेक्रोसिस में अपने पढ़ा था जो ब्लड वेसल में जो नेक्रोसिस होती है तो बोलते हैं फाइब्रेनॉड नेक्रोसिस ठीक है थीके? और ये थ्रोम्बोसिस करा देंगे और जिसके कारण क्या हो जाएगी इस चम इंजरी हो जाएगी तो ये था अपना टाइप थ्री हाइपर सेंसिटिवी डेक्शन में इसकी मैकेनिज्म और इसके एक्जाम्पल इंपॉर्टेंट है याद करने हैं तो ये हो गया अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे टाइप फोर सेंसिटिविटी हाइर सेंसिटिव डरेक्शन थैंक यू